शिवजवाहर साथियों, राजा मरकाम और आप देख रहे हैं खबर गोंडवाना। साथियों, सिंगार द्वीप मतलब कुयामुरी द्वीप के प्रथम शंभू शेख राजा कोसुदेव ने अपनी योग सिद्धि और तपोबल से सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने हेतु मुंदसूर सर्री यानी त्रिशूल मार्ग का प्रतिपादन किया और सिंगार द्वीप के सभी प्राणियों की सेवा करने का संदेश दिया। कुयापुनेम अर्थात गोंडी धर्म में कुयावंशी सगा समाज की सेवा करना हर एक सगा जीव का प्रथम परम कर्तव्य है, जिसके लिए अपने बौद्धिक मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से कर्तव्य करना चाहिए। इस संबंध में गोंडी पुनेम मुठवा पांडी पारिकोपाल लिंगो ने मुंदसूर सर्री यानी त्रिशूल मार्ग का परिपाठ अपने सगा शिष्यों को पढ़ाया। आइए हम जानते हैं मुंदसूर सर्री का शाब्दिक अर्थ गोंडी भाषा में क्या है। मुंदसूल यानी तीन सूल या त्रिशूल, सर्री सर्री यानी मार्ग या रास्ता भी होता है, जिसकी जानकारी हमें मुंदसूल सर्री मंदिर से प्राप्त होती है। जो मंदिर है मुंदसूल सर्री ते मधुरमति उड्डे मेंदोल सुल्क आयतांगे सगा जोंग बोध तल के तय मधुर सुलता सरिंग अदुते सगा मांड सार जुट सेवा मति सुलता सरिंग अदुते सगा वंग नींगा कर कयो मेंदोल सुलता सरिंग अदुते। उपरोक्त मुंदसूल सर्री मंदिर के अनुसार मानव काय के मुख्यतः तीन अंग होते हैं, जैसे मुंदसूल मतलब बौद्धिक अंग, मतिसूल मतलब मानसिक अंग, मेंदोलसूल मतलब त्रिशूल अंग। त्रिशूल का मध्य भाग मानव शरीर के बौद्धिक अंग, दाया भाग मानसिक अंग एवं बाया भाग शारीरिक अंग से संबंधित है, इसलिए त्रिशूल मार्ग को कुयापुनेम व्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। और जो हमने विवेचना की है उसके आधार पर हर व्यक्ति को अपने बौद्धिक अंग के माध्यम से सामुदायिक विचार मंथन एवं सामाजिक ज्ञान साधना का निर्णय कर सगा समाज का कल्याण साध्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मानसिक अंग के माध्यम से सगा सामुदायिक प्रेम, सामुदायिक भावना, सामुदायिक एकता एवं सामुदायिक सेवा भाव मान में संजीव रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने शारीरिक कर्मेंद्रियों के माध्यम से सगा सामुदायिक कर्म कर्तव्य, सामुदायिक वाणी एवं सामुदायिक दृष्टिकोण रखकर अपना कार्य करना चाहिए। कुयापुनेम का अंतिम लक्ष्य सबकी सेवा करना है, सभी के कल्याण में ही हर एक का कल्याण है। इस तरह कुयापुनेम का मंदसूर सर्री दर्शन कितने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।